हेलो फ्रेंड्स रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आर बी और नया इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है और ये जो अपडेट हुआ ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं आर आर सी जीरो वन दो हज़ार उन्नीस को लेकर के तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ग्रुप डी का एग्जाम फॉर्म भरे हैं उन्हीं को ये पूरी जानकारी को ध्यान में रखना है आप देख सकते हैं आज ही का डेट है चौबीस जनवरी दो हज़ार बाईस का तो इसके बारे में पूरी जानकारी को बताते हैं तो जो चैनल में नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट आपको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं आप लोग शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो चलिए मैं एक एक करके सारी चीज़ों को बताता हूँ तो यहाँ पे है विद द रेफरेंस ऑफ डिटेल सेंट्रलाइज्ड इम्प्लॉयमेंट नोटिस सी ई एन आर आर सी जीरो वन दो हज़ार उन्नीस यानी ट्वेंटी नाइनटीन पब्लिश ऑन थर्टीन फरवरी दो हज़ार उन्नीस एंड ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट आर आर बीज ऑन ट्वेल्व मार्च ट्वेंटी नाइनटीन तो यहाँ पे है कि इसका जो फॉर्म निकला था ग्रुप डी वाला उसका पब्लिश किया गया था तेईस फरवरी को और इसमें जो फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था वह बारह मार्च से भराना हो गया था और नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर सी बी टी पब्लिश ऑन पंद्रह तीन दो हज़ार उन्नीस सत्ताईस तीन दो हज़ार उन्नीस और अठारह आठ बारह दो हज़ार इक्कीस तो यहाँ पे जो है एग्जाम शेड्यूल को यहाँ पे बार बार पब्लिश किया गया था एक पंद्रह मार्च दो हज़ार उन्नीस को फिर एक बार सत्ताईस मार्च दो हज़ार उन्नीस को उसके बाद में आठ दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को यहाँ पे पब्लिश किया गया था और थ्रू द वेबसाइट ऑफ आर आर बीच फॉलोइंग चेंजेस आर मेड थ्रू हीज दिस कोरिगेंडम एंड अमेंडेंट नंबर थ्री बाद में इसको चेंजेस होता रहा है जो कि रेलवे के नियम के अनुसार है ये भी यहाँ पर बताया गया है अब यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जाम शेड्यूल फॉर सी बी टी वन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सी बी टी टू यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल को लेकर के जो सी बी टी वन होगा और इंट्रोडक्शन ऑफ सी बी टी टू यानी कि इसको दो फेजेस में होंगे ये इस बार तो सी बी टी वन और सी बी टी टू के बारे में यहाँ क्या करें तो इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अप्लीकेशन रिस रेलवे हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट टू स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सी यानी कि ये जो है कि तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर लिया है तो इसी कारण से रेलवे ने डिसाइड किया कि इसको टू स्टेज सी में एग्जाम लिया जाएगा यानी कि दो सी में एग्जाम कराया जाएगा इन टर्म्स ऑफ पारा थ्री ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस पेज थ्री तो यहाँ पे जो भी है ये देख सकते हैं आप सी एन डिटेल्स ऑफ द टू स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अंडर यहाँ पे दो फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ग्रुप डी के लिए यह भी आपको ध्यान में रखना है इस बार से और फर्स्ट स्टेज सी बी टी वन स्टार्टिंग फ्रॉम तेईस फरवरी दो हज़ार बाईस यानी कि ट्वेंटी थर्ड फरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू से सी बी टी वन यानी कि फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा यह पर पहले ही जारी कर दिया गया रेलवे की ओर से दस एन सी ई एन नंबर अरासी दो हज़ार उन्नीस इन मल्टीपल फेजेस टू द प्रीवेलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक तो यहाँ पर जो है सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा मल्टीपल फेजेस में और द सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ क्वेश्चन ऑफ़ सी बी टी वन विल रिमेन सेम द मैं अंडर फोर्टीन पॉइंट वन ऑफ आर आर बी प्रोसेस ऑफ सी ई एन और बाद में जितना भी कि जो सिलेबस है और जिस प्रकार से मार्क्स होगा वहाँ सी बी टी वन के लिए वो पहले जिस प्रकार से बताया गया उसी प्रकार से यहाँ पर होगा ये फर्स्ट सी बी टी वन में जो कि तेईस फरवरी दो से एग्जाम होना है और इसके तहत मैं आपको गवर्नमेंट गाइडलाइंस का भी ध्यान में रखना है अब बात करते हैं सेकेंड स्टेट सी बी के लिए जो कि सिलेबस होगा टेंथ स्टैंडर्ड का सेम एज सी बी तो सी बी में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी प्रकार के यहाँ सी बी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह टेंथ लेवल के हो गए यानी कि दसवीं के अनुसार ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ क्वेश्चन किस प्रकार कहते हैं एग्जाम ड्यूरेशन जो कि नब्बे मिनट का होगा उसमें जनरल साइंस थर्टी मैथमेटिक्स से थर्टी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से थर्टी फाइव और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अवेयर्स से ट्वेंटी फाइव और टोटल जो होगा वो वन ट्वेंटी मार्क्स होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं तो टोटल जो है सॉरी एक सौ नंबर का है यहाँ पे और इसमें जो है टोटल नाइन्टी मिनट्स यानी कि डेढ़ घंटे का एग्जाम होगा उसमें से जनरल साइंस के तीस मैथमेटिक्स से तीस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से थर्टी फाइव जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से ट्वेंटी फाइव इस प्रकार सेन ट्वेंटी हो जाएगा अब इसके बाद मैं आप देखते शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सी बी टी टू फिफ्टीन टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वेकेंसी यहाँ पर जितना भी वैकेंसी बताया गया है उसका पंद्रह गुना स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सी बी टी टू के लिए आपको ध्यान में रखना है कि पंद्रह गुना निकाला जाएगा जितना भी नोटिफाइड वेकेंसीज़ है सी बी टी टू के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क फॉर मल्टीपेलजेज पेपर्स तो यहाँ पर नॉर्मलाइज का फॉर्मूला दिया हुआ है इसके अलावा में जो है आगे में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफिकेशन प्लानिंग ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे जो दिया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है साथ ही साथ इसमें जो पहले बताया गया है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सी बी टी सब्जेक्ट इधर क्वालिफाइंग ऑफ पी ई टी कैंडिडेट्स वन पॉइंट जीरो फाइव टाइम्स यहाँ पर जो है कि जो भी कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस करेंगे उस सी बी टी के एग्ज़ाम के बाद उसके बाद में पीटी के लिए वन पॉइंट फाइव टाइम्स बुलाया जाएगा यहाँ पे ये भी साफ साफ कहा गया है यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफाइंग इन पी ई टी इंड वन पॉइंट जीरो फाइव यहाँ पर आप देखिए साथ ही साथ द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिकेशन एज द एज पर मेरिट ऑप्शन उसके बाद में है यहाँ पे उन्ही स्टूडेंट्स को यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे कहना है फिर न्यू अमेंडमेंट में अब क्या कर रहा है तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सब्जेक्ट इन सीबीटी टू सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन स्मॉल हैंड फॉर बी इक्वल टू द नंबर टू नोटिफाइड वेकेंसीज यानी कि रेशियो जो रहेगा हिसाब से ही निकाला जाएगा जो यहाँ पे है पहले कहा गया था उसमें तो वन पॉइंट फाइव टाइम्स निकालने के लिए कहा गया था लेकिन अब न्यू अमेंडमेंट या न्यू घोषणा हुआ है उसके अनुसार से वन पॉइंट वन के रेशियो से यानी कि अब जिस प्रकार से सी बी टी वन में आप स्कोर करते हैं पी ई टी नंबर में भी अच्छा करते हैं तो आपको उसी अनुसार यानी कि वन पॉइंट वन के रेशियो से ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसके बाद में है यहाँ पर सी एन आर आर सी जीरो वन रिवाइज पोस्ट पैरामीटर्स यहाँ पे पोस्ट के बारे में भी कुछ कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं तो द पोस्ट पैरामीटर फॉर वेरियस पोस्ट है पेज विल बी सुपर प्रोवियस ए ऑफ गिवन सी ई एन यहाँ पर जो है उसमें कुछ चेंजेस आया हुआ है पोस्ट को लेकर के तो यहाँ पे द द डिजाइन द डिजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट पोस्टमैन अपेयरिंग इन द डिटेल सेंट्रलाइज्ड इम्प्लॉयमेंट नोटिस सी ई एन आर एस सी दो हज़ार उन्नीस टू बी रिडेज पॉइंट्समैन यहाँ पे जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन है उसको अब से यहाँ पे पॉइंट्समैन में ही आपको कहना है उसी हिसाब से आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे देखिए आप आर एस सी जीरो वन दो हज़ार उन्नीस विल रिमेड और बाद बाकी सब जितने भी वो सब पहले के जैसे ही रहेंगे तो जितने भी जानकारी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है डेट देख सकते हैं आप चौबीस जनवरी दो हज़ार बाईस का है चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये भी आप देख सकते हैं अब यहाँ पर है जो सी एन आर आर सी जीरो वन ट्वेंटी नाइनटीन रिवाइड पोस्ट पैरामीटर से यहाँ पे असिस्टेंट है असिस्टेंट बुराई जाए ये सब सारी चीज़ें आप लोग पहले से ही आप लोगों को मालूम होगा ये जब देख सकते हैं और एज जो है वो आठ तैंतीस साल का है और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था वो मैट्रिक लेवल का था आपको यहाँ पर भी देख ही सकते हैं इसको तो यही नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आया है आरआरसी यानी कि ग्रुप डी को लेकर के आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से यही अपडेट है तो आप लोगों को पूरी जानकारी को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर वन पॉइंट वन के रेशियो से ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पर आपको और चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रखना था कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर सी बी टी टू यानी सी बी टी टू में जो भी होगा उसमें फिफ्टीन टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी यानी पंद्रह गुना जो वैकेंसी है उसका पंद्रह गुना सिक्सटी टू के लिए ही स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट नोटिस है आर की ओर से